देखिए अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है। द डेड टोल इन द 3-story बिल्डिंग कोलैप्स इन लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर ऑन सैटरडे इवनिंग हैज गॉन अप टू 8 आफ्टर 3 मोर बॉडीज वर रिकवर्ड टुडे मॉर्निंग फ्रॉम बीनीथ द डेब्री। The building, which was constructed 4 years ago, was used as a warehouse. अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कोई भी और मृतक या घायल मिलने की आशंकाएं नहीं है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्यवाही को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है ऑल मेडिकल ड्रिल्स एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों की लगभग स्थिति ठीक है, अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है, उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बचाई है, बच गई है। आखिरी सवाल है, क्या कुछ कौन कौन सी टीमें अभी यहाँ? अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की फोर्स की वगैरह की और जो हमारी टेक्निकल टीम उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और एनडीआरएफ की टीमें टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल, कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। 12 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं, क्या कुछ अनुमान लग पाए क्यों ये घटना? देखिए ये इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी संभावना है कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को जानकारी मिल पाई। सर, क्या कुछ रीजन रहे घटना? नहीं कुछ नहीं, बिल्डिंग जर्जर थी तो इस जर्जर वजह से बिल्डिंग की वजह से जो भी है वो नेचुरल डिजास्टर है तो उसको हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं, यहाँ से जल्दी जल्दी काम पूरा कर लें। इट ऑल्सो हैड अ मोटर वर्कशॉप ऑफिशियल सेट। Expressing condolences for the families of the victims, Chief Minister Yogi Adityanath in a post on X said the loss of lives in the building collapse incident was extremely sad and heartbreaking.